ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਮਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕਿਰਤੀ ਬਾਸੂ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। सर्वप्रथम भारतीय दूतावास की तरफ से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और इस प्रोग्राम में शिरकत करने का अवसर प्रदान किया। मुझे यहाँ पे अत्यंत प्रसन्नता है और खुशी का विषय है कि आप सभी लोगों ने यहाँ पे दीपावली का ये इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, और आप सभी लोगों को, भाइयों और बहनों को, आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए दीपावली का पर्व शुभ हो, मंगलमय हो और आपके परिवार में सुख समृद्धि संपन्नता लेके आए, मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं और रब से भी कामना करता हूं कि आप सभी को बरकत दे। मैं यहाँ पे 2-3 बातों के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा कि भारतीय दूतावास हमेशा आपकी कम्युनिटी के साथ काम करने में हमेशा तैयार है। कोई भी इनिशिएटिव हो, चाहे कोई भी पहल हो, हम हमेशा आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। और इस साल तो स्पेशल साल है क्योंकि गुरु नानक जी देव जी का 550वां जो प्रकाश पर्व है, सालगिरह है, उसको हम भारत सरकार और भारतीय राज दूतावास अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने का हम प्लान कर रहे हैं। उसी क्रम में आने वाले दिनों में अंदर 2 प्रोग्राम हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं। एक तो कल साइकिल का इवेंट करने जा रहे हैं। आप सभी भाइयों बहनों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सुबह 10:40 के ऊपर ओरिएंट म्यूजियम, जो फंडा साहब ओरिएंट के पीछे, आप जरूर आइए और साइकिल रैली में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि गुरु नानक जी देव जी के जो मैसेज है, जो संदेश है, उन्होंने हमेशा पर्यावरण के लिए हमेशा वकालत की है कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो साइकिल रैली के द्वारा हम एक संदेश उनका प्रचार करने का एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो कल आप सभी भाइयों और बहनों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, और कल वहाँ पे ओरिएंट म्यूजियम से लगा के बेलेम टावर तक और बेलेम टावर से वापस ओरिएंट म्यूजियम तक एक साइकिल रैली का आयोजन है, तो आप सभी वहाँ पे जरूर पधारेंगे। और दूसरा प्रोग्राम है, अभी हम 19 नवंबर को कोई भी नाम है गुरु नानक जी के नाम पे 250 पेड़ों का वृक्षारोपण करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मैं 22 तारीख को कोइम्बरा जा रहा हूँ, मेयर के साथ मेरी मीटिंग है, तो उसके बारे में डिस्कस करना है कि कैसे पेड़ खरीदेंगे और कहाँ से उसको जमीन वमीन में लगाएंगे। तो ये भी हम उसका गुरु नानक जी का जो 550वीं सालगिरह है उसमें इसी कार्यक्रम को हम बनाने जा रहे हैं। हम तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम, देखो, अम्बेसी खाली नहीं कर सकती है, आप कम्युनिटी का सहयोग बहुत जरूरी है। अम्बेसी तो एक आगे जस्ट फेस है और आपके मदद के लिए है, बट ये कम्युनिटी ड्रिवन होना चाहिए, ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। तो कल साइकिल रैली में भी आपका बहुत सहयोग अनिवार्य है, और जो कोइम्बरा में प्रोग्राम होगा जहाँ पे ट्री प्लांटेशन,
हम बिल्कुल उनके साथ कर रहे हैं, बट आपका सहयोग भी बहुत जरूरी है और आपकी उपस्थिति भी अनिवार्य है। तो आप हमेशा ये थोड़ा दिल में रखिए कि आप हमेशा हमारे साथ इस कोई भी इनिशिएटिव हो उसमें आप मदद करेंगे, और हम आपके हमेशा आपका भी जो भी इनिशिएटिव होगा हम बिल्कुल हमारी जितनी भी हो सके उसकी मदद करेंगे। तो उसके मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मैंने 3 साल में जो भी आप कम्युनिटी से काफी लोगों से इंटरेक्शन किया मुझे बहुत अच्छा लगा रियली, और काफी चीजें मेरे को आपसे सीखने को मिली, और मुझे एक खुशी का विषय है कि आप कम्युनिटी में आया था तब ऐसे प्रोग्राम सरकारे, अपनी आप तू नखरे मारे, साड़ी गादी है सरदारी जे तेरी
शौक मैं पका दूँ गोरी ये नी तेरा कला कला शौक मैं पका दूँ गोरी ये यारी यारी हर कोई बेटा यार बनाओ नहीं ओके यारी 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 Bye.
खड़े थे उन्होंने गल कर लगे छड़ा छड़ा ना। हाँ मैं पता भाजी इंडिया होके आया है, देख
ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੱਗ ਜੰਮਿਆ ਜੱਗ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੱਗ ਜੰਮਿਆ ਜੱਗ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਡੱਕ ਮਾਰਦਾ ਪੂਰਨਾ ਪੂਰਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤ ਸੂਰਮਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤ ਸੂਰਮਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤ ਸੂਰਮਾ ਸੂਰਮਾ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕ ਪਈਆਂ ਆਪੇ ਆਪੇ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗ